दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन, जिसे हम लोग एंटी स्कैन के नाम से जानते हैं, वह क्या होता है और डॉक्टर आपको एंटी स्कैन कराने की सलाह कब देता है, और यदि आप एंटी स्कैन करवाते हैं तो आपको एंटी स्कैन कराने से पहले स्कैन होने के तरीके और उसके फायदे के बारे में जरूर पता होना चाहिए, ताकि जब आप स्कैन करवाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि एंटी स्कैन कराने के लिए आपको कितना खर्च रुपये करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मेडिकल मंत्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एंटी स्कैन आमतौर पर बच्चों को जन्म देने से पहले कराया जाता है। हालांकि यह गर्भवती महिला की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह एंटी स्कैन कराना चाहती है या नहीं। न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन कराने से बच्चे के स्वास्थ्य जैसे एनीमिया, हृदय की समस्या और जेस्टेशनल डायबिटीज सहित बच्चे के डाउन सिंड्रोम के भी लक्षण का पता चल जाता है। यह स्कैन प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में कराया जाता है। पहली तिमाही यानी कि 11वें सप्ताह से लेकर 13वें सप्ताह के बीच में यह टेस्ट कराया जाता है। इस स्कैन में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बच्चे के गर्दन के पीछे के न्यूकल मोड़ के आकार को मापते हैं और इससे यह पता करते हैं कि बच्चे के गुणसूत्र समान है या नहीं है। दोस्तों अब जानते हैं कि डॉक्टर आपको एंटी स्कैन कराने की सलाह कब देता है। तो दोस्तों एंटी स्कैन कराने के बाद रिपोर्ट देखकर डॉक्टर को यह बताने में आसानी होती है कि गर्भवती महिला किस दिन से प्रेग्नेंट है और किस दिन डिलीवरी होगी। नंबर दो, गर्भ में एक बच्चा है या उससे अधिक। नंबर तीन, आपके बच्चे का सही से विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर तीन, यदि गर्भवती महिला की उम्र 35 साल से अधिक है तो डॉक्टर आपको एंटी स्कैन कराने को बोल सकता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे के विकास में कमी आ सकती है। नंबर चार, यदि आपके परिवार में किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको एंटी स्कैन कराने को बोल सकता है। दोस्तों अब जानते हैं कि यदि आपको एंटी स्कैन कराने को डॉक्टर बोलता है तो आपको इससे पहले कौन कौन सी तैयारी कर लेनी चाहिए। एंटी स्कैन कराने से पहले किसी विशेष प्रकार की तैयारी की जरूरत नहीं होती है। ज़्यादातर मामलों में यह टेस्ट 30 मिनट में ही पूरा हो जाता है, लेकिन स्कैन कराने से पहले प्रेग्नेंट महिला का ब्लैडर भरा होना चाहिए। मतलब स्कैन कराने से पहले डॉक्टर गर्भवती महिला को काफ़ी पानी पीने को बोलेगा। इससे बच्चे में जो कमी होती है वो रिपोर्ट के माध्यम से उसका चित्र स्पष्ट दिखाई देता है। एंटी स्कैन करने के लिए टेक्नीशियन गर्भवती महिला को एक टेबल पर लिटा देता है, फिर एंटी स्कैन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि एंटी स्कैन कराने के कौन कौन से फायदे होते हैं। तो दोस्तों एंटी स्कैन पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। इस स्कैन के दौरान गर्भवती महिला को किसी तरह का दर्द नहीं होता है। यह स्कैन कराने से गर्भवती महिला के बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। यह स्कैन प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में कराना फायदेमंद होता है, क्योंकि इस स्कैन में बच्चे में कोई कमी होती है तो स्कैन में सही तरीके से पता चल जाता है और गर्भपात होने का खतरा भी नहीं रहता है। अगर आप एंटी स्कैन से संतुष्ट नहीं हैं तो आप गर्भावस्था के 10वें या 13वें सप्ताह में CVS टेस्ट भी करवा सकते हैं। दोस्तों इस टेस्ट में पूरी तरह से पता चल जाता है कि बच्चे में कोई कमी है या नहीं है। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि CVS टेस्ट क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों एंटी स्कैन कराने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बच्चे के शुरुआत में ही डाउन सिंड्रोम के लक्षण समझ में आ जाते हैं, जिससे समय रहते डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। दोस्तों अब लास्ट पॉइंट में जानते हैं कि एंटी स्कैन कराने के लिए आपको कितना रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों एंटी स्कैन कराने के लिए आपको 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। आपके यहाँ का प्राइस अलग हो सकता है, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके सिटी में एंटी स्कैन कराने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।